नमस्कार, जीआर से इंस्पायर केमिस्ट्री टेक के स्टूडियो में आपका स्वागत है। आइए, जीव अणु के अंतर्गत आज हम प्रोटीन का विकृतीकरण क्या होता है इस बिंदु को जानेंगे। इसके पूर्व हम प्रोटीन क्या होते हैं, प्रोटीन के प्रकार, प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग इत्यादि प्रोटीन से संबंधित जानकारी जान चुके हैं। तो आइए, आज हम महत्वपूर्ण बिंदु के रूप में प्रोटीन का विकृतीकरण क्या होता है इसे हम जाने। तो प्रोटीन ऊष्मा एवं रसायनों की उपस्थिति में अपनी मूल संरचना जो होता है उसे खो देता है। अर्थात प्रोटीन ऊष्मा अर्थात ताप की उपस्थिति में एवं विभिन्न प्रकार के रसायनों की उपस्थिति में प्रभावित होता है और अपनी संरचना जो द्वितीयक एवं तृतीयक संरचना जो होती है उस संरचना को खो देता है। आगे हम जान सकते हैं, अर्थात प्रोटीन को गर्म करने पर अथवा रासायनिक यौगिकों या रासायनिक पदार्थों की उपस्थिति में इसकी जो जैविक क्रियाशीलता होती है, प्रोटीन की जो बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज होती है वह नष्ट हो जाती है। प्रोटीन की जैविक क्रियाशीलता का नष्ट होना प्रोटीन का विकृतीकरण कहलाता है। अर्थात आगे हम और जान सकते हैं, जैविक क्रियाशीलता नष्ट हो जाती है और विकृत होकर ये स्कंदित हो जाते हैं। स्कंदित अर्थात को एग्लूटेड हो जाते हैं और स्कंदन की प्रक्रिया के फलस्वरूप इसकी द्वितीय एवं तृतीय संरचना बदल जाती है। द्वितीय एवं तृतीय संरचना का बदलना ही प्रोटीन का विकृतीकरण कहलाता है। आगे हम और जाने, तो प्रोटीन को गर्म करने अथवा रासायनिक यौगिकों से क्रिया करने पर इसकी जैविक क्रियाशीलता नष्ट हो जाती है और ये विकृत होकर स्कंदित हो जाते हैं और स्कंदित होकर ये अविलेय हो जाते हैं और अविलेय प्रोटीन में परिवर्तित हो जाती है। इस क्रिया को प्रोटीन का विकृतीकरण कहते हैं। विकृतीकरण के फलस्वरूप प्रोटीन की जो प्रारंभिक संरचना होती है वह अपरिवर्तित होती है किंतु द्वितीयक एवं तृतीयक संरचना परिवर्तित हो जाती है। हम अंडे का उदाहरण लेकर प्रोटीन के विकृतीकरण को समझ सकते हैं कि अंडे को यदि उबलते हुए पानी में कुछ समय के लिए रखा जाता है तो अंडे के अंदर जो एल्ब्यूमिन प्रोटीन रहता है वह प्रोटीन स्कंदित होकर रेशेदार अविलेय प्रोटीन में परिवर्तित हो जाता है। अर्थात अंडे का प्रोटीन अविलेय प्रोटीन अर्थात रेशेदार अविलेय प्रोटीन में ताप के प्रभाव में बदल जाता है। इस प्रकार से अंडे का जो प्रोटीन होता है वह रेशेदार प्रोटीन में परिवर्तित हो जाता है अर्थात स्कंदित हो जाता है। तो अंडे के अंदर का जो प्रोटीन होता है उसकी द्वितीयक एवं तृतीयक संरचना बदल जाती है। तो हम अंडे का उदाहरण लेकर प्रोटीन के स्कंदन को समझ सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने प्रोटीन का विकृतीकरण क्या होता है इस महत्वपूर्ण बिंदु को जाना। यदि आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप इस प्रकार से केमिस्ट्री के अन्य वीडियो को वॉच कर सके। धन्यवाद।